गुड मॉर्निंग मित्रों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम उठते हैं थोड़ा सा लेट, सुबह के 8 बज चुके हैं और मौसम भी है काफ़ी साफ, देख सकते हैं धूप निकले हुए। तो आज हम सुबह जा रहे हैं जल्दी से एग्ज़ाम दिलाने रेडी होके। तो अपन आ चुके हैं पारी नाला कॉन्फ्रेंस कॉलेज, जो कि है मात्र 5 किलोमीटर दूर आनंदगांव से। वहाँ से हम हॉस्टल में सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम दिला के निकलते हैं और उसके बाद जाते हैं बागेश्वर धाम मंदिर, तो जो कि है अपने NH 53 हाईवे से लगा हुआ है, जो कि काफ़ी सुंदर मंदिर प्रांगण है दोस्तों। देख सकते हैं पूरा स्वर्ण कलर के हैं और जस्ट मंसूला पेट्रोल पंप के सामने भी है दोस्तों। वहाँ से अपन दर्शन करके जल्दी से निकलते हैं। दर्शन करके नहीं देख सकते दोस्तों, काफ़ी सुंदर मंदिर है। तो अब हम आ चुके हैं अर्बन कैफे, जो कि है राजनांदगांव शहर के गन चौक के पास। देख सकते सभी दोस्त हमारे अर्बन कैफे, इनका नाम है डोरामी, ये हमारे भाई प्रशांत और रवि कार, सेम मेरे टाइप से नाम है भाई का, लेकिन प्रशांत जोशी है भाई, 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 भाई है। और यहाँ हमारे कुणाल भाई और भाई। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो फिलहाल अभी बर्थडे केक काटा जा रहा है, बर्थडे मनाया जा रहा है, तो उसके बाद अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिलहाल केक कटिंग करते हैं और केक काफ़ी स्वादिष्ट था दोस्तों। उसके बाद देखते हैं छोटा सा गिफ्ट जो कि हमारे फ्रेंड ने दिया था। तो उसके बाद सभी दोस्त केक वगैरह खा रहे हैं, सभी दोस्त चाउमीन वगैरह सब पेट पूजा कर रहे हैं दोस्तों। ये अर्बन कैफे जो कि है गन चौक में राजनांदगांव के पास, काफ़ी देख सकते हैं बहुत ही अच्छी जगह पे दोस्तों, एक बार जरूर आ सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। अभी शाम के 7 बज चुके हैं, 7:30, तो अभी अपन जा रहे हैं वापस, दोस्तों बुला रहे हैं थोड़ा, देख सकते हैं अपन निकलते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पार्टी के आगे दोस्तों। तो अभी अपन जा रहे हैं वृंदावन अमृत प्योर वे, देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, संडे का दिन है तो मौसम खुला है, आज बारिश वगैरह तो नहीं हुई है, इसलिए काफ़ी गाड़ियाँ चल रही देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे। हमारे दोस्तों ने काफ़ी तगड़ा इंतजाम कर रखा था दोस्तों, यहाँ आने के बाद मोहाली कुछ अलग है, भाइयों ने तो मोहाली चेंज कर कर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना मस्त अरेंजमेंट किया हमारे समाज के। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी केक खा खा के हालत ख़राब हो गई थी दोस्तों, देख सकते हैं जब मुँह में ठूसे जा रहे थे चारों तरफ से केक ही केक, तो हालत ख़राब हो गई थी दोस्तों खा खा के। मित्र तो आज है संडे और आज रहता है ढाबा और रेस्टोरेंटों में बहुत भीड़। तो हम आते हैं द फार्मर्स न्यू ढाबा, ये है अपना जस्ट हाईवे से लगा हुआ, जस्ट एक बाईपास रोड में। तो दोस्तों वहाँ एक बार देख सकते हैं, यहाँ का माहौल काफ़ी बहुत ही न्यू ओपन हुआ है दोस्तों, बहुत ही तगड़ा अरेंजमेंट में। भाइयों के द्वारा काफ़ी तगड़े तरीके से बर्थडे मनाया जा रहा है, अच्छा से शायरी वायरी गाना ना गा रहे हैं भाई लोग, तो सभी को बहुत बहुत थैंक यू यार। हमारे सागर एके राज, एके राज बोलदार भाई, ओनली फॉर दिस डे आपको ये रानी सागर पार्क में घूमते हुए मिल जाएगा आपको। किसान में इनका नाम सबसे पहले नंबर पे आते हैं, फाइनली PSC मैथ्स में पास हो चुका है हमारे यूट्यूबर भाई बाबा मोहन चंद्राकर, इनके यूट्यूब चैनल है, जल्दी इसके साथ कोलैब करेगा प्रशांत। 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं जल्दी से, 1 मिलियन करवा दीजिए प्लीज सब्सक्राइब बाबा, और एक सॉरी मनमोहन चंद्राकर। CSIT यही चलाते हैं भाई, इसी कारण CSIT में माहौल रहता है, कोई भी कार्यक्रम होता है इन्हीं के बुलाकर रानी में बुलाते हैं, लेकिन आते नहीं है।
दोस्तों सागर भाई अचानक से यार अचानक से स्प्रे मारने का देख सकते हैं पूरा चेहरा ढक चुका है दोस्तों, इतना ज़्यादा फॉग आ चुका है सामने में, पूरा फोम ही फोम पूरा देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि किसी ने साबुन के झाग को मेरे चेहरे में लगा दिया होगा दोस्तों, पूरा चेहरा ढक चुका है, कुछ दिखाई नज़र नहीं आ रहा है, काफ़ी तगड़ा फंसा दिए भाई लोग ने हमें तो, हमें तो अपनों ने लूटा, दूसरों में क्या गम था, ऐसा लग मेरी याद आ गया। ये कारनामा हमारे प्रिय मित्रों द्वारा किया गया है, ये ठीक कर रहे हैं, ये हमारे रवि भाई को भी ऐसी बना दिया गया है। चलिए मित्रों अभी सबका खाना पीना स्टार्ट होने वाला है, बन मिलते हैं, आज का दिन काफ़ी अच्छा है भाई, हो गया भाई, मैं रवि साहब भाई जय राम जय श्री, आ रहे हैं यहाँ पर भाई लोग, पूरा धनिया वनिया खा रही है पूरे चेहरे की, बाबा उठ मनमोहन। तो मित्रों अपन चेहरा धो के अब निकलते हैं, सभी लोग यहाँ दरहा लाइव से दबा रहे हैं, फिलहाल भाई लोग का सामान खाना पीना चालू हो चुका है। अबे और नारो नहीं ना, तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी तगड़ा है द फार्मर्स ढाबा, यही अपने बाईपास से अंदर घुसते हैं वही वाली रोड में है दोस्तों, आप जरूर आइए यहाँ पर का देख सकते हैं, गार्डन काफ़ी बेहतरीन है, चारों तरफ पेड़ पौधों में लाइटें लगी हुई है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है मित्रों। तो यहाँ से अपन अभी सब निकलने वाले हैं, यहाँ काफ़ी बहुत संगीतमय माहौल है दोस्तों, और अंदर साइड देख सकते हैं काफ़ी तगड़े सीट्स वगैरह हैं सब, पूरे लाइटिंग वगैरह भी खास बहुत तरीके से किया गया है। तो यहाँ से दोस्तों फिलहाल निकलने की तैयारी शारी, सभी लोग खाना ना खा के उठ चुके हैं, तो अपन भी निकलते हैं, तो चलिए दोस्तों आगे मिलते हैं, आप लोग एक बार ज़रूर आइए, काफ़ी देख सकते हैं सामने रोड में यहाँ पर पार्किंग का भी बहुत तगड़ा व्यवस्था है, सुविधा आप लोग यहाँ आ सकते हैं। तो फिर फिलहाल दोस्तों अपन चलते हैं आगे मिलते हैं, और यहाँ से भी अपन को केक लेके जाना है, और एक भाई के पास कटिंग करवा के भी जाना है केक कटिंग करके, तो फिर वहाँ से अपन जाएँगे आगे घर, तो यहाँ भाई हमारा केक कटिंग करते हैं, उसके बाद अपन जा रहे हैं अपने घर, देख सकते हैं साथ में केक और पेस्ट्री का डब्बा लेके जा रहे हैं, माहौल का भी शांत हो गया दोस्तों, रात के 10:30 से ज़्यादा हो चुके हैं, फिलहाल अभी हम घर पहुंच चुके हैं भैया जी के यहाँ, तो केक खाते हैं और सही फैमिली के साथ, पापा जी आरती कर रहे हैं, उसके बाद फैमिली वालों के साथ केक कटिंग करते हैं, अंतिम में लास्ट में रात के 11 बज चुके हैं दोस्तों, और फिर केक काट के सभी को खिलाते हैं फैमिली वालों के साथ, काफ़ी संगीत है माहौल दोस्तों, काफ़ी बहुत ही मज़ा आ रहा था, काफ़ी काफ़ी खूबसूरत लग रहा था दोस्तों, तो पापा जी को केक खिलाने के बाद अभी कोक पार्टी के साथ हमारा बर्थडे आज समाप्त हो चुका है, गया। तो आज का दिन हमारा काफ़ी खूबसूरत गया, आज हम लोग बहुत सारे एंजॉय किए, बहुत सारे मज़ा किए, थैंक यू दोस्तों सभी को कि मेरा बर्थडे इतना अच्छा सीन यादों के साथ मनाया दोस्तों, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों आप सभी का इतना सारा प्यार मिला दोस्तों, ऐसे ही मिलता रहे वहाँ से, ऐसा करता हूँ दोस्तों काफ़ी बेहतरीन रहा दोस्तों, आज हमने बहुत सारे इन्जॉय किया, काफ़ी मस्ती की, काफ़ी दोस्तों के साथ मिले, बहुत ही अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने सब ने मेरे इस बर्थडे के दिन अपना समय निकाल के मुझे सारी बधाइयाँ दी, बहुत सारा संबोधन प्रदान किया दोस्तों, आगे बढ़ने के लिए सदा आपका आशीर्वाद, मैं भगवान से ही प्रार्थना करूँगा कि सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोगी रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें, सभी लोग मस्त रहें, सभी लोग निरंतर प्रगति करते रहें दोस्तों, तो इसी के साथ से चलते हैं दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक चैनल को शेयर को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और एक बार सभी को तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों मेरे जन्मदिन को खूबसूरत बनाने के लिए, चलता हूँ दोस्तों आपका दोस्त प्रशांत पटेल उर्फ निशु।